हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट एट वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट एट वीडियो में प्रश्नावली 10.2 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है कि एक रेखा 1.0 तथा 2.3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड पर लंब है। देखिए, हमारे पास दो बिंदु है। एक बिंदु को मैं ए मान लेता हूँ जिसका निर्देशांक दिया है 1.0 और एक बिंदु को मैं बी मान लेता हूँ जिसका निर्देशांक दिया है 2.3। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यहाँ पे कौन होगी? रेखा ए भी हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी ना। तो इस रेखा पर एक कोई अन्य रेखा है जो इस पर लंब है, इस तरह से, या इस पर लंब है, ठीक है। इस ए बी को मिलाने वाली रेखा जो ए बी है, इस पर एक अन्य रेखा जो है लंब है तथा उसको 1:n के अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि यह रेखा ए बी को, यहां मैं अगर बिंदु सी मान लेता हूं तो सी बिंदु के द्वारा इसे क्या करती है, 1:n में विभाजित करती है, ठीक है। 1:n के अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि यह एक भाग है और यह n भाग है, समझ रहे ना बात को। तो हमें क्या करना है, रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। इस रेखा का नाम हम लोग यहाँ पे सी डी कर देते हैं। इस रेखा सी डी का हमें समीकरण ज्ञात करना है। मैं यहाँ पे मान लेता हूं, माना बिंदु ए 1.0 जिसका निर्देशांक है तथा बी जिसका निर्देशांक है 2.3 को मिलाने वाली रेखा ए बी को सी डी जो रेखा सी डी है, एक अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है। और यह भी दिया हुआ है कि जो विभाजन हो रहा है यहाँ पे, यह सी डी, ये लंब है ए बी पर। यह सी डी जो देख रहे हैं यह ए बी पर लंब है, यह भी दिया हुआ है, ठीक है। नहीं देता है तो था। चलिए, हमें क्या करना होगा, पहले सी का निर्देशांक निकालना होगा। तो हम लोग विभाजन सूत्र पढ़े हैं ना, ये दो बिंदु, एक x1y1 मान लूंगा मैं, x2y2 मान लूंगा, है ना। इसे मैं x1y1 एज ए मान लेता हूँ और इसको x2y2 एज ए मान लेता हूँ। तो हम लोग विभाजन सूत्र पढ़े हैं, मैं यहाँ विभाजन सूत्र लिख देता हूँ। विभाजन सूत्र mx2+nx1 बटा में m+n। अब आप सोच रहे हो कि सर ये m और n क्या है, तो ये जो अनुपात दिए है ना, यही ये m है और ये n है, समझ गए ना, इस तरह से दिया हुआ। my2+ny1 बटा में m+n, यही ना फॉर्मूला था विभाजन सूत्र के लिए। तो c का निर्देशांक हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे। c का निर्देशांक क्या होगा, ये बिंदु जो c हो रही है इसका निर्देशांक क्या होगा, तो कैसे निकालोगे भाई? तो हो जाएगा m के जगह पे यहाँ 1, x2 के जगह पे है 2, n के जगह n ही है और x1 की जगह है 1, बटा में 1+n। फिर m के जगह है 1, y2 जगह है 3, n के जगह है आपका n और y1 के जगह है आपका 0 और बटा में 1+n। तो यहां से हमारा आ जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो 2+n बटा में 1+n कॉमा 3/1+n। यहां हमने c का निर्देशांक निकाल दिया। अच्छा, जब सी का निर्देशांक निकाल दिया और हम देख रहे हैं कि यहाँ एक दूसरे पे ये लंब है, तो दोनों के ढाल का गुणनफल -1 होगा ना जी। यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि दिया हुआ है कि सी डी लंब है ए बी पर, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि सी डी का ढाल और इनटू में ए बी का ढाल, दोनों के ढाल का गुणनफल जो होगा -1 के बराबर होगा। तो सी डी का ढाल इनटू ए बी का ढाल क्या होगा, ए बी का ढाल का फॉर्मूला जानते हैं ना, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का ढाल क्या होगा, और क्या हो जाएगा, 3-0 बटा में 2-1, यही ना हो जाएगा। चलिए, और बराबर में -1। चलिए यही सॉल्व करते हैं। सी डी का ढाल इनटू में, यहाँ देखो 3 और नीचे 1, तो 3 ही आ जाएगा और बराबर -1। तो ऐसे सी डी का ढाल निकल जाएगा ना जी, सी डी का ढाल माइनस का 1/3। तो हमारे पास ढाल निकल गया सी डी का और उस पर एक स्थित एक बिंदु भी यहां दिया है। तो लिख सकते हैं बिंदु 2+n/1+n,
तीन बटा वन प्लस एन यही ना दिया है, से गुजरने वाली रेखा का समीकरण जिसका ढाल माइनस का एक बटा तीन है। जिसका ढाल कितने के बराबर है, माइनस के एक बटा तीन के बराबर है। सीडी का ढाल क्या, तो सीडी का समीकरण चलिए अब यहां से निकाल देते हैं। तो वाई माइनस वाई वन बराबर में ढाल यानी कि माइनस वन बाई थ्री इंटू में एक्स माइनस एक्स वन जो बिंदु होगा टू प्लस एन बटा में वन प्लस एन। चलिए अब देखिए एक काम करते हैं, यहां अंदर एलसीएम ले ले, तो वाई इंटू में यहां वन प्लस एन आ जाएगा, दोनों तरफ एलसीएम ले लेंगे, माइनस थ्री बटा में वन प्लस एन माइनस वन बाई थ्री, यहां भी आप एलसीएम ले लो अंदर वन प्लस एन, तो वन प्लस एन इंटू एक्स माइनस टू और माइनस का एन हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे यहाँ अंदर साइन बदल जाएगा। ठीक है, तो यह और यह तो दोनों जगह से यहाँ काट सकते हैं और ये जो भाग में थ्री है इधर ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं, तो थ्री इंटू वन प्लस एन वाई माइनस का नाइन बराबर में ये माइनस वन जो है ऊपर गुणा कर देते हैं, माइनस का वन प्लस एन एक्स और प्लस का टू प्लस का एन। समझ में आया ना मैंने क्या किया, माइनस वाले से ऊपर इसमें सब में गुणा कर दिया। अब चलिए इसको इधर कर लेते हैं और इसको उधर भेज देते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वन प्लस एन इंटू एक्स और प्लस में थ्री इंटू वन प्लस एन इंटू वाई ये जाके उधर दो से जुड़ जाएगा, ग्यारह हो जाएगा, तो एन प्लस ग्यारह, ये आपके रेखा सीडी का समीकरण आ गया जो हमें ज्ञात करना था। चलते अगले क्वेश्चन पे। आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों से समान अंतःखंड काटती है और बिंदु 2,3 से जाती है। देखो समझो यहाँ पे बात को, मैं यहाँ दो प्रकार से चित्र बना सकता हूँ, ठीक है, तो मैं दोनों को एक ही साथ बना देता हूँ यहाँ आसपास में। चलिए एक्स अक्ष वाई अक्ष ले लेता हूँ, मैं दो चित्र बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ इसको आपको अभी क्लियर हो जाएगा। एक्स एक्स डैश वाई और यहां मैं y डैश ले लेता हूं, उसी तरह से यहां भी x x डैश y y डैश। क्या कर रही, अक्षों के साथ समान है ना, निर्देशांक अक्षों के साथ समान अंतःखंड काटती है। समान अंतःखंड काटने का मतलब है कि या तो रेखा वो इस तरह से जाएगी या वह रेखा इस तरह से जाएगी, समान अंतःखंड यानी कहने का मतलब यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी। तो जब ये देखो ये समकोण है, यह और यह दूरी जब बराबर हुई, ये देखो ये बराबर हो गई समान अंतःखंड काटा, तो यहाँ वाला कोण आपको 45 हो जाएगा, आपको पता है ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। अच्छा उसी तरह से ये जब होगा तो यहाँ वाला कोण 45 होगा, तो इधर वाला कितना कोण होगा, 135 डिग्री होगा। यानी कि ध्यान रखना कि जब समान अंतःखंड की बात आ जाएगी तो कोण 45 होता है या 135 होता है, 45 डिग्री का कोण बनेगा या तो 135 डिग्री का कोण बनेगा, ये आप याद रखना। क्यों, कि जब समान अंतःखंड काटेगी तो आपको पता है कि यहाँ वाला कोण 45 यहाँ वाला कोण 45, क्योंकि एक 90 है, तो ये दोनों कोण बराबर बराबर होंगे ना, त्रिभुज को लेकर देखेंगे तो आप, तो इधर 45 होगा तो यह वाला झुकाव कितना हो जाएगा, 135 होगा, क्योंकि दोनों मिला के 180 होता है, या झुकाव 45 भी हो सकता है। तो याद रखना क्या क्या कह रहा है, रेखा निर्देशांकों के साथ समान अंतःखंड काटती है, निर्देशांकों से समान अंतःखंड काटती है, तो थीटा का मान जो होगा 135 डिग्री ये हो जाएगा या 45 डिग्री हो जाएगा। तो आपका कोण जो ढाल जो होगा ढाल जो हो जाएगा 135 डिग्री हो जाएगा, tan 135 डिग्री हो जाएगा या tan 45 डिग्री ले सकते हैं। तो ढाल यहां से या तो माइनस वन, tan 135 डिग्री का माइनस वन आ जाएगा, आपको पता है कैसे मैं निकालूंगा, आप निकाल भी सकते हैं, tan 135 का 90 और प्लस में 45, सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा cot 45 माइनस का cot 45, तो ये कितना होगा, माइनस वन ही ना होगा या टेन प्लस वन, यानी कि ढाल आपका वन या माइनस वन हो सकता है। तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, रेखा का समीकरण
तो हमारे पास बिंदु दी गई है 2.3, तो वाई माइनस 3 बराबर में ढाल इंटू में एक्स माइनस 2, तो वाई माइनस 3 बराबर माइनस का एक्स प्लस का 2, इसको इधर आते हैं और 3 को इधर ले आते हैं, तो एक्स प्लस वाई बराबर में 5 हो जाएगा एक समीकरण। दूसरा आपकी बार फिर से हम लोग यही बिंदु लेंगे और ढाल के जगह पे 1 रख देंगे, आपका आ जाएगा वहां से भी 2 समीकरण आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए 13 नंबर, कह रहा बिंदु 2.2 निर्देशांक दिया बिंदु का, से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों के कटे अंतःखंडों का योग जो है 9 है। चलिए देख लेते हैं, मैं एक फिगर बना लेता हूं यहां समझने के लिए। ये आपका एक्स अक्ष वाई अक्ष हो जाएगा, एक्स यहाँ एक्स डैश, ये आपका वाई है और नीचे मैं वाई डैश दे देता हूँ। एक रेखा है जो किसी बिंदु 2.2 से गुजर रही है, मैं मान लेता हूं कि इस रेखा पर वह बिंदु 2.2 यहाँ पर है, ठीक है, और इनके अंतःखंडों का योग कितना दिया है 9 दिया है। तो अगर मैं यहाँ का निर्देशांक ए बिंदु मानकर इसका निर्देशांक मैं 1.0 लेता हूं, ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी ए लेता हूं, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी रहेगी 9-1, क्योंकि दोनों मिला के 9 होगा, है ना जी, अंतःखंडों का योग 9 है, 9-1, यानी कि यहां का निर्देशांक हो जाएगा 0.9-1। मैं इसे बिंदु बी मान लेता हूं और इसे बिंदु सी मान लेता हूं। चलिए, तो मैं यहां मान लेता हूं, मान अक्षों पर अंतःखंड 1.0 तथा 0.9-a है, ठीक है। चलिए, अच्छा, यह तीनों बिंदु ए बी सी आप जो देख रहे हैं इस रेखा पर ही स्थित है, तो जाहिर सी बात है यहां पे हम लिख सकते हैं कि ए सी का ढाल बराबर में बी सी का ढाल, दोनों का ढाल एक दूसरे के बराबर हो जाएगा ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, AC का ढाल 2-0 बटा में 2-a, BC का ढाल 9-a-2 बटा में 0-2, ठीक है, 2/2 बराबर में 7-a बटा में माइनस का 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते इसमें से गुना करोगे तो 14 माइनस का 7a माइनस का 2a और प्लस का ए स्क्वायर बराबर में माइनस का 4, सबको एक तरफ करते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 9 है, ये आके इधर प्लस का हो जाएगा तो 18 आ जाएगा। चलिए, इसका गुणनखंड करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 3a प्लस का 18, यही ना हो जाएगा, माइनस 3a होगा, 6 माइनस 3, दोनों माइनस का होगा तभी ना, 6 3 9 हो जाएगा और गुणा करेंगे तो इनके गुणनफल के बराबर आ जाएगा। चलिए, दो दो में कॉमन करेंगे तो ए कॉमन करेंगे, ए माइनस 6 होगा, माइनस का 3 कॉमन करेंगे, यहाँ भी ए माइनस 6 होगा, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, ए माइनस 6 को बाहर निकाल दो, यहाँ ए बच गया, यहाँ 3 बच गया, अब यहाँ से अलग अलग कर दो, ए माइनस 6 बराबर 0 और ए माइनस 3 बराबर 0, यहाँ से ए का मान 6 आ गया और यहाँ ए का मान 3 आ गया, तो दो मान आ गए, एक 6 भी आ गया और 3 भी आ गया, ठीक है, तो ए का मान यह निकल गया और चूंकि अंतःखंड आपके यहाँ पे देखो चूंकि एक्स तथा वाई अक्षों के साथ अंतःखंड ए तथा 9-a है, इसलिए रेखा का समीकरण हम लोग कब निकाल रहे हैं, जब a बराबर 6 है, दो माना है ना जी, तो एक एक करके दोनों पे निकाला जाएगा, जब a बराबर 6, तो रेखा का समीकरण जब a बराबर 6 क्या हो जाएगा, क्या था हम लोग पढ़े हैं ना जी, अंतःखंड रूप में एक फॉर्मूला पढ़े हैं, x बटा b बराबर 1, जब a और b x और y के साथ अंतःखंड है, तो हो जाएगा x बटा a प्लस y बटा 9-a, अंतःखंड 9-a है और बराबर में 1, एक्स की जगह 6 रख देना है, 9-6 बराबर में 1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, x/6 + y/3 = 1, कैल्शियम ले लेते हैं, सॉरी 6 3 कैल्शियम 6 ही ना होगा, x प्लस में
टू वाई बराबर में एक यानी कि एक्स प्लस टू वाई बराबर में आ जाएगा छह, ये भाग वालों द्वारा गुणा करके। अच्छा रेखा का समीकरण फिर से निकालते हैं, रेखा का समीकरण फिर से निकालते हैं कब, जब x बराबर तीन है, दो आया ना x का, सॉरी एक का मान तीन है, एक का मान छह भी आया और तीन आया, तो एक बार आप तीन रख के देखते हैं। तो x बटा एक जगह तीन प्लस y बटा नाइन माइनस a है ना, तो एक जगह यहाँ भी तीन बराबर में वन। चलिए सॉल्व करते हैं, x बटा तीन प्लस y बटा छ बराबर में वन, एलसीएम ले लो छ, भाग करेंगे दो एक्स प्लस वाई बराबर में एक, यानी कि यहाँ से आ जाएगा दो एक्स प्लस वाई बराबर में छ, रेखा का समीकरण हो जाएगा। समझ गए, चलते अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बिंदु 2,0 से जाने वाली और धन एक्स की एक्स अक्ष से 2π/3 के कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। पहले इतना कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। पहले आधा क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं। चलिए ये आपका आलेख में पहले बना लूंगा, आलेख बनाने से ये होता है कि आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ पाते हो, ठीक है। चलिए यहां देखो मैं लिख देता हूं, 0,2 से जाने वाली ना, तो 0,2 से जाने वाली इधर होगी कहीं, इधर ही ना आपका बिंदु होगा, और एक्स अक्ष के धन दिशा में 2π/3 कोण बना रही है, 0,2 यहां हो जाएगा। चलिए ये आपका 0,2 बिंदु दिया ही है और कोण यहाँ दिया है 2π/3 है ना। चलिए तो यहाँ पे कोण दिया है तो रेखा का ढाल क्या हो जाएगा, रेखा का ढाल, इस रेखा का ढाल क्या हो जाएगा, तो ढाल हो जाएगा tan 2π/3, इसे मैं लिख दूंगा tan पाई माइनस पाई बाई थ्री, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना, क्या जाएगा माइनस का tan पाई बाई थ्री, ठीक है ना, माइनस का tan पाई बाई थ्री आ जाएगा। चलिए तो tan पाई बाई थ्री एंड tan 60 यानी रूट थ्री होता है, माइनस का रूट थ्री, इसका क्या आ गया, ढाल आ गया, और बिंदु दिया ही है, तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस टू बराबर में ढाल और इंटू में x माइनस जीरो, ये बिंदु दिया है ना, उसी को मैंने रख दिया, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, y माइनस टू बराबर माइनस का रूट थ्री एक्स, इधर आके प्लस का हो जाएगा रूट थ्री एक्स प्लस वाई, दो को इधर रखो या उधर भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इधर भी रख सकते हो, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उधर भी भेजने से कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना, ये आपका समीकरण आ गया रेखा। फिर आप देखो आगे कह रहा है, इसके समांतर, इस रेखा के समांतर एक और रेखा में खींचनी है जो वाई अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे दूरी पर प्रतिच्छेद करती है, वाई अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करती है, यानी इधर पे यह दिया है 0,0, माइनस 2 हो जाएगा बिंदु, और यहां से जा रही है और इस रेखा के समांतर है, यानी कि वो कुछ इस प्रकार से जाएगी, है ना, इसी प्रकार से जाएगी, तो जाहिर सी बात है जो समांतर रेखाओं का ढाल क्या होता है, बराबर होता है, इसका भी ढाल वही माइनस का रूट थ्री हो जाएगा, लेकिन बिंदु बदल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं इसे रेखा एल मान लू, इसको पी मान लू, तो अब रेखा पी का समीकरण निकाल लेता हूं, रेखा पी का समीकरण है ना, निकालने के लिए क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन यानी कि माइनस टू बराबर में ढाल और इनटू में एक्स माइनस एक्स वन, क्या लिख देंगे कि चूंकि रेखाएं समांतर है इसलिए ढाल जो होंगे, ढाल किसका, पी का, और ढाल किसका, एल का, दोनों का ढाल बराबर हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ रूट थ्री लिया, वाई प्लस टू बराबर रूट थ्री एक्स माइनस का, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ से इस रेखा का समीकरण रूट थ्री एक्स प्लस वाई प्लस टू बराबर में जीरो, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, मूल बिंदु से किसी रेखा पर लंब डाला गया, लंब रेखा से बिंदु -2,9 पर मिलती है, तो रेखा का समीकरण क्या। चलिए पहले हम लोग उसका फिगर समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। यह आपका x अक्ष हो जाएगा या आपका y अक्ष हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x, x डैश, y और यहाँ लिख देता हूँ y डैश। मूल बिंदु आपका यही ना होगा तो इसका निर्देशांक तो जीरो जीरो होता है, इसे मैं बिंदु को मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से कह रहा है कि किसी रेखा पर लंब डाला गया, जो लंब डाला गया है वह लंब रेखा से कहाँ पे मिलता है, माइनस दो कमा नौ पर, तो माइनस दो कमा नौ पे मिलता है यानी कि इसमें आ जाएगा दूसरे पद में, तो x का माइनस दो y का नौ इधर कहीं ऐसे मान लेता हूँ, यहाँ बिंदु है ना, और कोई रेखा जो है इस प्रकार से यहाँ जा रही है। ठीक है, अब यहां से इस पे लंब डाला गया, इस प्रकार कोई लंब डाला गया, लंब डाला गया, यहाँ पे मैं a मान लेता हूँ और इस रेखा को भी कुछ मान लेता हूँ p q मान लेता हूँ, यह लंब डाला गया और ये लंब जो है इस रेखा पे कहाँ पे मिलता है, माइनस दो कमा नौ पर, माइनस दो कमा नौ पर। तो अगर हम ओ ए का ढाल निकाल लें तो पी क्यू का भी ढाल निकल जाएगा। माना माना बिंदु बिंदु ओ जीरो कॉमा जीरो यानी मूल बिंदु से रेखा पी क्यू पर लंब ए ओ ए है जो जो रेखा PQ को बिंदु A इसका निर्देशांक है माइनस दो कमा नौ पर मिलती है या काटती है, मिलती है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं OA का ढाल गुना में PQ का ढाल बराबर माइनस वन, दोनों के ढाल का गुणनफल क्या होगा माइनस वन, तो ओए का ढाल क्या हो जाएगा नाइन माइनस जीरो बटा में माइनस दो माइनस जीरो इंटू में पी क्यू का ढाल बराबर में माइनस वन, ये नौ बटा माइनस दो बराबर में इंटू में पी क्यू का ढाल, पी क्यू का ढाल ये जाके भाग वाला गुना में गुना वाला भाग में, यहां से निकल जाएगा पी क्यू का ढाल, रेखा PQ का ढाल हो जाएगा दो बटा में नौ, रेखा PQ का ढाल निकल गया और बिंदु दिया ही है, तो रेखा PQ का समीकरण y माइनस वाई वन ये नाइन बराबर में ढाल और इंटू में x माइनस एक्स वन तो ये माइनस दो, तो यहां प्लस कर देता हूं, समझ गए ना। चलिए अब देखो इस दो को नौ को इधर आके गुना करता हूं, नौ वाई माइनस का इक्यासी बराबर दो एक्स प्लस चार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इन सबको एक तरफ कर देते हैं, इधर जीरो बच जाएगा, दो एक्स माइनस का नौ वाई ये माइनस और ये इधर आएगा तो प्लस में, तो पचासी हो जाएगा। इसे या हम ऐसे लिख सकते हैं टू एक्स माइनस नाइन वाई प्लस पचासी बराबर में जीरो, ये आपका आंसर हो जाएगा, रेखा का समीकरण आ गया। समझ गए, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिए गए हैं आपके एक्सरसाइज में, आप भी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करिएगा ताकि क्वेश्चंस को बनाने में कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना। तो आप थोड़ा सा मेहनत करोगे, स्ट्रगल करोगे थोड़ा सा, आपको क्लियर हो जाएगा सारा चैप्टर, मैं जितने बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा उतना ही और आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट अपना क्लियर रखें, पीछे के एक्सरसाइज को बनाए उनको सॉल्व करें। आपको पता है हमारे तीन चैनलों को आप सब्सक्राइब करेंगे, पहला है Pathfinder Classes छपरा, Pathfinder Classes छपरा, ठीक है, दूसरा है भारती भवन रवि कांत सर, भारती भवन रवि कांत सर, रवि कांत सर, और तीसरा चैनल है रवि कांत सर के नाम से, रवि कांत सर के नाम से। ठीक है, तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप www.ravikantsir.in पर जाएंगे और वहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो आप सीधे जाके गूगल पे सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और वहां से जाके आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं।